हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ डीएनएस पे। दोस्तों, आज पहली बात तो ईद है, तो सभी को ईद की शुभकामनाएं। और मैं आज ईद की स्पेशल क्लास आपके ले रहा हूँ। आज एक टॉपिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एक टॉपिक है मिसिंग नंबर। हम पूरे कंप्लीट आज मिसिंग नंबर का एक पूरा कंप्लीट सेशन लेंगे, जिसमें कि PYQ सॉल्यूशन भी हम देंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरह के तरीके होंगे जिससे कि आप मिसिंग नंबर से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ये रिवीजन बैच चल रहा है आपका, सामर्थ्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और भी आपने क्लासिफिकेशन और कोडिंग डिकोडिंग का क्लास कर लिया होगा, तो उम्मीद है आप समझ में आ रही होगी चीज़ें आपको। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है, तो DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप। DNS एजुकेयर ऐप के आपको फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में ये मिल जाएगा। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको इसका फ्री PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिसिंग नंबर की शुरुआत करते हैं कि आखिर मिसिंग नंबर होता क्या है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। पंकज कुमार, नितिन, दीपिका, शांता, संजना, हाँ जी, ममता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप सभी के लिए क्लासेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं। सभी को ईद की शुभकामनाएं, और आप सभी लोगों को आपका दिन आज अच्छा जाए, सभी को गुड मॉर्निंग भी। और शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बताऊं, अगर मिसिंग नंबर की हम बात करें, तो मिसिंग नंबर आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको समझ में टॉपिक से ही आ रहा है, मिसिंग, मिसिंग का मतलब है कि कुछ मिसिंग होगा। भाई, अब क्या मिसिंग होगा, मेरे बात को समझिएगा। मिस तो बहुत सारी चीज़ें करते होंगे आप, है ना, बहुत सारी चीज़ें करते होंगे आप, और लिखते भी होंगे मैसेज में आई मिस यू। लेकिन मिस यू वाला, वो वाला मिस यू नहीं है, ये दूसरा मिस यू है। ठीक है ना, मिसिंग नंबर। अब मान लीजिए, दरअसल बीच में क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए 3 लिख दिया मैंने, है ना, यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे 11 लिख दिया, यहाँ पे 15 लिख दिया, और यहाँ पर अगला नंबर आपसे मैंने पूछा, और फिर उसके बाद अगला नंबर मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया। तो अब बताइए, यहाँ पर मिसिंग नंबर, ये वाला जो ब्लैंक मैंने कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया, इसके जगह पर क्या होगा, ये दरअसल मिसिंग नंबर है। आपको इसी में चार ऑप्शन दिए जाएंगे, इसी में आपको आंसर बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मिसिंग करके नंबर दे दिया जाएगा, आपको ये बताना होगा कि इस मिसिंग नंबर पर क्या होगा। हाँ, DNS पे बहुत जल्दी आपको PDF मिल जाएगी साधना जी, है ना, सारे PDF आपको एक ही दिन में सारा प्रोवाइड कर दूंगा। अभी कुछ दरअसल अपग्रेड चल रहा है एप्लीकेशन पे, कुछ अपग्रेड चल रहा है, एक ही दिन में सारा आपको PDF मिल जाएगा, जो जो पढ़ाया गया है। ठीक है, सभी का मिल जाएगा, उसका चिंता मत करिए आप। तो इस तरह से मिसिंग नंबर हमने बताया कि बीच में यहाँ मिस कर दिया गया है, और इसी में आपको बताना होगा कि मिसिंग नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं कि कैसे हमें करना है तरीका। देखिए, ये देखिए, 3 से 7 हो गया, यानी 4 का गैप है, फिर 7 से 11 हो गया, 4 का गैप यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी देखें तो 4 का गैप है, तो यहाँ पर भी जो अगला नंबर होगा वो 4 का गैप होगा, ऐड होता जा रहा है, 4 + 4 + 4, यानी 4 प्लस होता जा रहा है, 15 में भी 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 19 होगा, तो 19 हमारा हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, और अगला नंबर भी देखें तो 4 इसमें भी ऐड हो रहा है। तो इस तरह से ये तो बहुत इजी वाला पैटर्न था, ये तो बहुत इजी पैटर्न था, बहुत ही अच्छा। और हाँ, मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल, देखिए ममता कह रहे हैं कि 19 आंसर होगा, बिल्कुल सही है, ये तो मैंने इजी क्वेश्चन दिया था। पहले बात समझिएगा, तो PDF आपको जो है, मैंने आपको बता दिया कि PDF आपको मिलेगा किस पे मिलेगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन पे जो मिलेगा ना, वो कुछ दिन में आपको मिल जाएगा सारा PDF जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन थोड़ा अपग्रेड हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें आपको भर दी जाएंगी, वहाँ पे PDF डाल दिया जाएगा। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक, चलिए अब हम समझेंगे कुछ कि भाई मिसिंग नंबर हमें करने से पहले आनी क्या क्या चीज़ चाहिए। देखिए, अगर हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी मिसिंग नंबर, अगर हमें अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट को समझना है, इस टॉपिक को क्लियर करना है, तो मिसिंग नंबर से हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो व्हाट वी शुड लर्न बिफोर आंसरिंग मिसिंग नंबर। ठीक है,
यानी मिसिंग नंबर को हमें आंसर करने से पहले क्या क्या लर्न होना चाहिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है, ऐसी कोई बात तो नहीं है, मेरे तरफ से नेटवर्क एकदम ठीक है, आप अपना देख लीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ संजना बिल्कुल सही है। देखिए क्या क्या चीज आनी चाहिए, पहला, अच्छा एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा ताकि ज्यादातर बच्चों तक ये पहुंच पाए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, है ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। पहला क्या आना चाहिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, पहला आपको आना चाहिए भाई स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कितने से, ठीक है, वन टू, वैसे तो वन का तो आसानी सबको आता है, टू से लेकर के 30 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद होना चाहिए ताकि आप मिनटों और सेकंडों में क्वेश्चन को कर पाए। देखिए अगर आपको रैंकिंग लाना है, अगर आपको सबसे आगे निकलना है ना, तो कुछ स्पेशल आपके अंदर होनी चाहिए, यूनिकनेस, कुछ स्पेशल आपके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए, और वो आपकी यूनिकनेस क्या बनाएगी, स्क्वायर आपको याद रहेगा 2 से 30 तक। तब जैसे मैं 15 का स्क्वायर पूछूं तो आप तुरंत बता दीजिए, मैं पूछूं 16 का स्क्वायर तो आप तुरंत बता दीजिए। तो इस तरह से आपको ना कम से कम 1 से 2 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होना चाहिए, क्यूब, कम से कम क्यूब याद कितने तक होना चाहिए सर, तो क्यूब 2 से लेकर के कम से कम 15 तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए, क्यूब आपको कम से कम 2 से 15 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, और अगर नहीं है तो याद करिए, ठीक है। तीसरा, तीसरे में क्या देखेंगे, तीसरे में ध्यान रखेंगे आप गैप देखिए, डिफरेंस, है ना, गैप देखिए। तीसरी बात आपको क्या लर्न करनी पड़ेगी, गैपिंग, गैपिंग को आप पहले देखिए कि गैपिंग क्या हो रही है, और गैपिंग में कैसे देखेंगे, गैपिंग में हो सकता है एड हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, प्लस हो रहा हो सकता है गैपिंग में भाई सब्ट्रैक्शन हो रहा है, माइनस हो रहा हो, ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है ना, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस भी हो सकता है, तो इन चीजों को देखेंगे आप। अच्छा गैपिंग में भाई आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, तो क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। देखिए पेशेंसली एकदम बने रहेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन अभी मैं आपके लिए लेकर और भी आया हूं, ठीक है। देखिए स्क्वायर, क्यूब, गैपिंग आपको आनी चाहिए, उसके बाद क्या आनी चाहिए ध्यान से समझिएगा, उसके बाद अच्छे से कमांड बना लीजिए आप अपने मल्टीप्लीकेशन पे, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा पे, और उसके बाद डिविजन पे यानी भाग पे, और प्लस माइनस तो मैंने आपको बताया ही कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पर इस पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। पांचवा क्या ध्यान देना है, पांचवा ये ध्यान देना है कि मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर है, मैंने यहाँ पर अच्छा एक क्वेश्चन ही दे देते हैं, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से ही क्लियर करते हैं, ये 4 चीजें आप याद रखेंगे सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 13, और यहाँ पे दे रहे हैं 17, और यहाँ पे दे रहे हैं भाई 221, और आपके सामने अगला वाला है, ध्यान से देखिएगा, अगला है 228, और यहाँ पर है आपका 12, और यहाँ पे है 19, और अगला आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा, अगला पूछा क्या क्या है, एक क्वेश्चन आपका है 13 13 18, और लास्ट में आपका पूछा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए अब मैं ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखे, ये देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर होगा, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 13 17 का ऐसा क्या किया कि यहाँ 221 आ गया, 12 और 19 के साथ यहाँ क्या किया कि 228 आ गया, 13 और 18 के साथ आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर आ जाए। आपके ऑप्शन क्या क्या, मैं ऑप्शन दे दूँ आपको, ऑप्शन 31 234, अगला ऑप्शन है 229, और अगला ऑप्शन है आपका 312, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, आप फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना, चलिएगा आंसर बताइए।
ममता कह रही है कि सर 234 होगा। लॉजिक देखिए, लॉजिक भी मुझे चाहिए, ठीक है, लॉजिक भी मुझे चाहिए, लॉजिक भी साथ साथ लिखेंगे, लॉजिक भी साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं ना, आनंद आ जाएगा आपको। आप कहेंगे सर अरे ऐसा खतरनाक ट्रिक, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? तो मैं कहूंगा हाँ। चलिए बिल्कुल, देखिए सभी लोग लगभग आंसर दे रहे हैं और सभी लोगों का आंसर मुझे लगता भी सही है, क्योंकि भाई उन्होंने लगभग लगभग आंसर सही ही दिया है, ठीक है। और एक बार ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। और श्रद्धा कह रही है कि सर MU, अरे MU कैसे भाई साहब, क्या कहना चाह रही है ना। संजना कह रही है बी। चलिए ठीक है, अब बी पे कह रहे हैं बहुत लोग। देखिए 13 और 17 का क्या करें कि 221 आ जाए, तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 13 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 51 और 17 1 17, 17 5 22, यानी 221। यानी दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं 13 और 17 का, तो 221 आ जा रहा है। 12 9 जा 108, 8 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 12 1 जा 12 और 10 22, यानी 222। और इसी तरह अगर यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 और 18 का, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम करेंगे तो 8 3 24 4, और 4 वाले ऑप्शन बस एक ही में है, वो है 234। बस एक ही चीज करिए ना, आपको पूरे करने की जरूरत भी नहीं है, बस लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करिए, 8 3 जा 24, अगर 4 लास्ट में एक डिजिट के ऑप्शन में है तो बस आंसर वही हो जाएगा। आगे करने की जरूरत है ही नहीं, आगे करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपसे वो थोड़ा ना पूछ रहा है कि आपने कैसे किया है, ठीक है। हाँ जी, नितिन कह रहे हैं कि सर एक शायरी हो जाए, है ना। अरे नितिन जी, शायरी भी आपके लिए रखा हूं मैं, है ना। अगला क्वेश्चन लीजिए, फिर शायरी भी सुनाऊंगा। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर शायरी भी सुनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। एक आपके सामने क्वेश्चन देता हूं, हाँ चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको, करिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे है 33, यहाँ पे है 17, और आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा ये आपको बताना है। ए बी सी और डी ऑप्शन लिख दे रहा हूँ आपके सामने, फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भाई 60, ऑप्शन बी में है आपका 68, ऑप्शन सी में आपका है 55, और ऑप्शन डी में है आपका 65। चलिए आंसर करिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इसका आंसर करता है। चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा ये बताएंगे। हाँ बहुत अच्छा ममता, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। आप बस इतना लिख लीजिए ना, मल्टीप्लाई, दीपिका भी सही आंसर कर रही हैं, बस आप मल्टीप्लाई लिख देंगे मैं समझ जाऊंगा, मल्टीप्लाई, बस आप मल्टीप्लाई लिख दीजिए कि लॉजिक क्या है। चलिए आंसर करिए भाई, शानदार क्वेश्चन है। अच्छा 65 कह रहे हैं बहुत लोग, देखिए अजय कह रहे हैं, संजना, अजय, चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो बताइए इसका वजह, वजह वजह कैसे कैसे 65 होगा, आंसर करिए, लॉजिक लॉजिक, मुझे लॉजिक चाहिए। कैसे होगा 65 भाई। जल्दी आंसर करेंगे भाई, कैसे आपने आंसर तो कर दिया, लेकिन मुझे चाहिए कि भाई कैसे आपने आपने इसका आंसर कैसे दिया। जब जरा रात हुई और मैं ओ अंजुम आए, थोड़ा सा वर्ड ऐसा है जो थोड़ा मज़ेदार है, समझने की ज़रूरत है। जब जरा रात हुई और मैं ओ अंजुम आए, 12 दिल ने ये महसूस किया कि तुम आए।
तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और देखिए, हाँ सर, दो गुना हो रहा है बट एक नंबर कम है। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं। शिवांगी का भी आंसर आ चुका है कि सर 33 × 2 − 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त। देखिए बिल्कुल, देखिए 9 का गुणा भाई 2 में हो रहा है लेकिन 1 माइनस हो जा रहा है। 9 का गुणा 2 में कितना हुआ? 18, लेकिन 1 माइनस कर दिया आ गया 17। 17 का गुणा 2 में हुआ लेकिन 1 माइनस कर दिया तो आ गया कितना भाई? 17 को दूना 34, 34 में 1 माइनस किया तो आ गया 33। अब 33 में गुणा 2 का करेंगे तो आएगा कितना भाई? 66। और 66 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और, फिर क्वेश्चन लगाइए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, एक क्वेश्चन और, है ना, क्वेश्चन नंबर थ्री। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, चलिए करिए, है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, करिए फटाफट। 16, यहां है 18 और यहां है 20, और आपसे फिर दिया है ऐसे कर करके, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है आपसे कि क्या होगा, और यहाँ पे दिया है 18 और यहाँ पर दिया है आपका 22, और यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। आपके ऑप्शन है 20, 20, 21, 23 और 25। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी मैं लिख देता हूँ, आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट से। हाँ जी, तो ओके, चलिए। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ममता, संजना, नितिन, चलिएगा। सर एक बात पूछ सकते हैं आप? कुछ बोलेंगे तो नहीं? अजय जी, कुछ बोलने वाली बातें नहीं करेंगे तो मैं क्यों बोलूंगा, बताइए। जरूर पूछिए आप, आपका स्वागत है ना, जरूर पूछिए, बिल्कुल चलिएगा, पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। हाँ मुझे लॉजिक भी चाहिए, क्यों? चलिए बताइए फटाफट से, लॉजिक भी मुझे चाहिए भाई, ऐसे थोड़ा ना मैं मानूंगा कि आप सही आंसर दे रहे हैं, लॉजिक भी मुझे चाहिए। हाँ बहुत अच्छे, +2 हो रहा है, बिल्कुल अच्छा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छे। ट्रिक लेके देखिए, ट्रिक आपने तो सही बताया लेकिन कोई सही ट्रिक नहीं बता पा रहा है, लॉजिक सही नहीं बता पा रहा है। लॉजिक सभी लोग बता रहे हैं लेकिन कोई सही लॉजिक नहीं बता पा रहा है ना। ना 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 ना, सही लॉजिक, हाँ, सही लॉजिक नहीं। दीपिका, ओम जी राय, अरे भाई साहब, गलत लॉजिक, गलत, सही लॉजिक नहीं बता रहे हैं आप। देखिए अब मैं बताता हूं, आप सुनिए ध्यान से। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, 16 और 20 कितना हो जाता है? 36। और 36 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाता है? 18। और यही पर यहां पे है ना, 18 और 22 को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाता है भाई? 18 और 22 को ऐड कर दें तो हो जाता है सर 40। आंसर तो सही दे रहे हैं आप लोग लेकिन लॉजिक सही नहीं बता रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आएगा? 20। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, लेकिन लॉजिक सही बताएंगे तब, है ना, लॉजिक सही बताएंगे तब, नहीं तो बहुत मार मराएंगे, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन अब लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। शानदार, जबरदस्त, जानदार, बेहतरीन, है ना। शिवम कह रहे हैं कि सर सब में 2-8 करेंगे। भाई मैंने जो ट्रिक था, मैंने जो लॉजिक था वो बता दिया आपको,
दो दो जोड़ रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन दो आप सही एकदम लॉजिक जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एकदम परफेक्ट लॉजिक मैंने आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। साधना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर तो आपका आ रहा है लेकिन ठीक है ना। आंसर करिए फटाफट से। अभी किसी का आंसर नहीं आया है, मैं देख रहा हूं लगातार। वन का सी आंसर होगा ऐसा कह रही है दीपिका। ओके, लॉजिक लॉजिक मुझे चाहिए, मुझे लॉजिक के साथ आंसर दीजिए तभी मैं नाम लूंगा, मैं बता दे रहा हूं। लॉजिक भी चाहिए, लॉजिक है ना, लॉजिक भी चाहिए। मुझे यूजी का एग्जाम देना है। अच्छा, ठीक है शिवम, बिल्कुल आप दीजिए यूजी का एग्जाम दीजिए, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका, है ना। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिए किसी ने कुछ क्या खूबसूरत बात कही है कि सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे मित्र वही है नेक, मित्र वही है नेक। चलिएगा, चलिए आंसर कर रहे हैं। नितिन कह रहे हैं कि हाँ सर, ओके ओके, चलिए बहुत अच्छे। अजय कह रहे हैं सी सर, ओके। दीपिका कह रही है बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा, 20 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल देखिए 20 बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं लॉजिक बताता हूँ कैसे, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। चार को अगर देखिए कभी भी इसको कैसे करना होता है ना, बड़े ध्यान से देखिए, कभी भी जब नंबर बड़ा वाला आपको दिखे तो उसी तरह नीचे की तरफ जाइएगा, ऐसे करिएगा, बड़ा वाला नंबर यहां पर है तो हमेशा इस तरह करिएगा। पांच चार और तीन के साथ ऐसा क्या करें कि 19 आ जाए, चार तीन और पांच के साथ ऐसा क्या करें कि 23 आ जाए, उसी तरह छह दो और तीन के साथ ऐसा क्या करें, डिस्को भांगड़ा करें कि है ना, गरबा करें, कुचिपुड़ी करें कि ये आ जाए। अब देखिए ध्यान से, चार और पांच का अगर हम गुणा करें और उसमें तीन जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, चार और गुणे पांच करें तो 20 आ जाता है, और 20 में तीन अगर ऐड करें तो कितना आ जाता है, 23 आ जाता है, तो बिल्कुल सही है। उसी तरह पांच और तीन का अगर गुणा करें तो 15, और 15 में चार जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। तो छह और तीन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा भाई 18, और 18 में बीच वाला ऐड करेंगे दो तो हो जाएगा कितना, 20। तो इसलिए 20 करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल जो जो आंसर दे रहे थे 20 बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आंसर, चलिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ संजना बिल्कुल, आप शायरी बिल्कुल बोल सकते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है ना। वो फिर भी ना समझ सका मेरे लफ्जों की गहराई को, मैंने हर वो लफ्ज कह दिया जिसका मतलब मोहब्बत था। हाँ जी, किसी बेरोजगार ने क्या खूब शायरी कही है, किसी बेरोजगार ने क्या खूब
खूब शायरी कही है, उसकी लफ्जों में मैं अगर बात कहूँ तो सिद्धार्थ राज आ चुके हैं। तो सिद्धार्थ जी और अजय जी, नितिन जी, दीपिका जी, ममता, शिवम, संजना, सभी के लिए एक बात बोलूँ तो ध्यान रखिएगा, अगर बेरोजगारी रहेंगे तो कितना ज़्यादा खतरनाक ये समय, ये समाज, ये जिंदगी, ये कहते हैं कि ये समय आपको जीने नहीं देता, ये समाज आपको जीने नहीं देता। तो उसमें कुछ बातें जो कड़वी बातें हैं वो लोग कहते हैं कि भाई, न लहजे में कोई कमी न किरदार में बुरे हैं हम, न लहजे में कोई कमी न किरदार में बुरे हैं हम, बस कामयाब नहीं हुए इसलिए सभी के नजरों में बुरे हैं हम, बस कामयाब नहीं हुए इसलिए सभी की नजरों में बुरे हैं हम। तो ये सर डांटे ना सर बोल दे तो बोल दे, हाँ नहीं, बोलिए बोलिए, डांटने वाली कोई बात नहीं है, है ना। चलिए एक आंसर करिए, और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिएगा अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। देखिए नितिन, संजना और चलिए दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रद्धा कह रही है कि सर 20 आंसर होगा, है ना, उनका कहना है कि 20 आंसर होगा। चलिए 20 आंसर कह रही है होगा, चलिए आंसर करिए। तो भाई देखिए, लगता है कि 20 से प्यार हो गया है इसको भी, है ना। इसके बाद एक शायरी और, एक क्वेश्चन एक शायरी, है ना, एक क्वेश्चन एक शायरी, चलिए ध्यान दीजिए। तो अगर मैं कहूं कि 4, 9 और 8 के साथ ऐसा क्या करें कि 44 आ जाए, भाई डिस्को भांगड़ा हम लोग कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 4 और 9 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 36, और 36 में अगर हम 8, 8 जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, 44, 44। उसी तरह 3 का हम 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, और 21 में 6 ऐड कर देते हैं तो 27 आ जाता है। इसी तरह 8 का हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाता है। 16 में अगर 4 ऐड कर लेते हैं ये वाला तो कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा, इसलिए 20 हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। इतना शानदार शानदार शायरी सुना रहा हूँ आपको, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, कंजूसी नहीं, कंजूसी नहीं चलेगी भाई, ऐसे कैसे है, आपके ऊपर मेरा हक है, मैं आपसे कह सकता हूं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, और तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही। पंकज बिल्कुल सही, और आंसर हाँ बिल्कुल सही है। तुम मेरे हो मुझे यकीन था, तुम मेरे हो मुझको यकीन था, झूठ था मगर कितना हसीन था। चलिए एक एक शायरी अब मैंने बोल दिया है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला शायरी आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा नितिन हंस रहे हैं बहुत तेजी से, और लगता है उनको शायरी कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई। हाँ जी, और क्या बात है भाई, है अभी तक आपने, अच्छा लाइक किसने किसने नहीं किया ये बताइए, तो कंजूसी कौन कौन दिखा रहा है यहाँ पे, है नहीं। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, चलिए आप इसका आंसर दीजिए तो मैं जानूं। ये बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ना आप वीडियो के एंड होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के एंड होने के बाद आप करिएगा। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया आपने तो एक बार, हाँ अच्छा आप लाइक नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, ओम जी राय, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तब भी नहीं किया तब भी, कर दिया तब भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आप देख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट फीड्स द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फिगर, इसका आंसर करेंगे। हाँ जी, कैसे? लॉजिक 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 बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ 54 होगा। लॉजिक बताइए कैसे 54 होगा भाई। चलिए अच्छा बताइए, तो अगर आप बता देंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, नहीं तो फिर होमवर्क दे दूंगा आपको। चलिए बताइए, इसका लॉजिक बताइए मुझे। अभी तक किसी ने लॉजिक मुझे नहीं बताया है कि इसका लॉजिक क्या होगा। अच्छा, लेजेंड गेमर कह रहे हैं कि 8 7 54। अरे भाई साहब, ये कौन सा है, ये कौन सा लॉजिक है कि भाई 8 7 54, 8 7 56 होता है कि 54 होता है? कुछ भी है इसका पता नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए प्लीज। हाँ, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसीलिए से मैंने कहा कि ये क्वेश्चन तो ऐसा है ना जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, आप मुझे वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको ये वाला, बाकी तो सब मैं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, हाँ चौथा क्वेश्चन लीजिए, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। डियर मित्र, यू आर विचित्र, आई कांट ड्रॉ योर चित्र, बट आई लाइक योर चरित्र, योर दिल इज सो पवित्र, सो दैट्स वाई यू आर माई मित्र। ओ माई गॉड, क्या बात है, क्या बात है। वाह, क्या सीन है, आपने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है ना, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, वाह। अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा आंसर, ठीक है, कैसे होगा सब मैं पिन कर दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है ऐसा जो वीडियो के एंड होने के बाद भी आंसर देगा। अभिनव कह रहे हैं कि आई लव यू सर, आई लव यू टू अभिनव सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो खतरनाक ही हो गए। अभिनव जी इसका आंसर करेंगे। हाँ जी, देखिए दीपिका का सबसे पहले आंसर आया है 489, दीपिका का सबसे पहले आंसर आया है। लॉजिक लॉजिक मुझे चाहिए। देखिए, अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को तो 6 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करते हैं और 5 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 29 है ना। अगर 6 का गुणा हम 4 में करते हैं, 6 चौके 24 और 5 उसमें जोड़ देते हैं तो 29 आ जाता है। फिर 29 में भी अगर हम 4 का गुणा करते हैं और 5 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 9 चौके 36 और 4 दूना 8, 8 तीन 11 और प्लस 5 यानी 121। और इसी तरह 121 में भी हम 4 का गुणा अगर करते हैं, 121 गुणे 4 और प्लस 5 कर देते हैं तो 484, 121 का गुणा 4 में करेंगे तो 484 होगा प्लस 5 यानी 489 यानी 489 होगा। और बिल्कुल सही आंसर है क्या, 489 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। आदित्य सिंह कह रहे हैं हेलो गाइज, तो मैं भी कह रहा हूं आपको आदित्य जी हेलो। अच्छा, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है ज्यादा क्या, मुझे एक बार बताइए तो। हाँ जी, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा सेट करता हूं आपको। हाँ, अब ठीक आ रही होगी, ठीक है, अब वॉइस ठीक आ रही होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 489 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए। ए सीरीज इज गिवन विथ वन और टू टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक श्रृंखला दो या एक पद लुप्त दिया गया है, इसमें विकल्पों में आप सही ऑप्शन चुनेंगे। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, करिएगा तो फटाफट से।
ये क्वेश्चन जो बता देगा ना उसका लाइफ झिंगा लाला, ये जो क्वेश्चन बता दिया ना उसका लाइफ झिंगा लाला। अब देखिए ये क्वेश्चन ना उसी तरह है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ना उसी तरह ये क्वेश्चन है। एक इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए पाए लागो गुरु जी। चलिए आदित्य जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप जरूर 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 आप एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करें, यही मेरी मनोकामना है। थैंक यू नितिन। अरे देखिए कितना अच्छा संजना जी बात कह रही हैं, अच्छा माहौल बना के रख दिया आपने। हाँ ओम जी राय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छा ओम जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो दे दिया ना मैं मान जाऊंगा कि वो आंसर दे सकता है। शानदार क्वेश्चन है ये भाई, शानदार क्वेश्चन है। अगर अच्छे से देखिए, ध्यान से लगाइए तो आ सकता है आपको। देखिए कुछ बातें कहनी बाकी रह गई थी, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुलाकातों को तय करती हैं, कुछ बातें तो ऐसी भी हैं जो इन बातों पे ही आपको अच्छा लगेगा कि कुछ बातें तो सर ऐसी ही बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि अंजामे वफा ये है जिसने भी मोहब्बत की, अंजामे वफा ये है जिसने भी मोहब्बत की, मरने की दुआ मांगी जीने की सजा पाई, मरने की दुआ मांगी जीने की सजा पाई। चलिए आंसर करेंगे। हाँ इसका आंसर किसी ने अभी तक नहीं बताया, मैं बताता हूं, इसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं बताया। मैं जानता था कि कोई इसका आंसर नहीं बता पाएगा, और ये क्वेश्चन ही ऐसा है। देखिए देखिए यहां पे हो क्या रहा है, दो का आधा एक, छह का आधा तीन, आठ का आधा चार, हाफ कर रहा है, टेन का हाफ फाइव। अब ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसका हाफ हो रहा है? देखिए 17 का हाफ तो हो नहीं रहा, कट, 10 का हाफ हो नहीं रहा है, कट, 1 का हाफ हो नहीं रहा है, कट, लेकिन यहां 16 का हाफ हो रहा है 8, और इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 168। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। सर मैं आ गया, वेरी गुड इमामुल। चलिए आंसर करेंगे इसका, है ना, आंसर करेंगे 168, बिल्कुल पंकज जी ने बिल्कुल सही बताया था। वक्त और टीचर में थोड़ा सा फर्क होता है, टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेता है। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया जी। तो दीपिका कह रही है 168, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर देंगे फटाफट से। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। हाँ हाँ इजी था लेकिन दिखा नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया ना, इसीलिए ना कभी कभी ना छोटा बम बड़ा धमाका कर देता है ना। कभी कभी कहते हैं ना कि जब बहुत सारी ये जो तीलियां होती हैं अगर मिल जाएं तो एक झाड़ू बन जाती है जिसे सफाई किया जा सकता है, जब बहुत बड़े पुआल मिल जाते हैं तो उससे छप्पर लगाया जा सकता है, और उसी तरह कहते हैं कि जब जो काम तलवार से आप कर सकते हैं वो काम आप सुई से नहीं कर सकते, और जो काम सुई से कर सकते हैं वो तलवार से नहीं कर सकते। अगर आपके पैर में कांटा गड़ गया तो वहां तलवार से नहीं निकाल सकते, वहां सुई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटी चीज की जरूरत कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा इम्तिहान ले जाती है आपकी, और वो छोटी चीज की अहमियत उस टाइम समझ में आता है जब आपका काम वो कर देती है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ दीपिका आप सोच ही नहीं रहते। हाँ चलिएगा चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहले है 2, फिर 6, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क 30, फिर 42, चलेंगे आंसर करेंगे।
अच्छा, सिक्स क्वेश्चन का आंसर 20 होगा ऐसा कह रही हैं दीपिका, और ओम जी राय कह रहे हैं 20 होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको तो देखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 2, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 3, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 12, है कि नहीं भाई। 4 का स्क्वायर 16 और 4 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है भाई, पहले 2 का स्क्वायर हो रहा है फिर माइनस 2 हो रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और सेम नंबर को माइनस कर रहा है। बात को समझिएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का, ये स्क्वायर में क्यूब लगा रहा हूँ भाई गजब, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का स्क्वायर माइनस 4 है ना, और 5 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर माइनस माइनस 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 6 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 12 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 20 हो जाएगा। और यही हमारा चौथे वाले में हमें बताना है, पहला दूसरा तीसरा तो दिया ही है, चौथा बताना है, 20 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बिल्कुल। बीट फ्लेक्स कह रहे हैं, नजरों से बात की जाती है जनाब, क्योंकि लफ्ज बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिले। वाह, अरे बीट जी आपने तो कमाल कर दिया भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन देखिए। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर नहीं दिया ना तो मैं डंडा लेकर आपको पिटाई कर दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चलिएगा। क्या होता है ना कि कुछ बात ऐसी कही जा सकती है, प्लीज सर क्या ओम जी राय क्या कहना चाहते हैं थोड़ा मुझे बताइएगा। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, जैसे जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं, है ना। जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं, उम्मीद हमेशा 6 की होती है लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है, है ना भाई। कृष्णा जी कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, चलिए बहुत अच्छे। हाँ दीपिका बिल्कुल सही आपने दिया है सर, 120 वाला, अच्छा 120 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं कि आंसर डी होता है कि नहीं, आइए देखते हैं। अगर 9 का स्क्वायर हम करें और माइनस क्या कर दें भाई, 9 कर दें, क्या ऐसा हो सकता है क्या, प्लस कर दें 9, हाँ तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90, और 9 का स्क्वायर प्लस 9 क्या कर देंगे तो 90 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना हो जाएगा भाई, 11 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना हो जाएगा 121, और प्लस 11 कर दे तो कितना हो जाएगा, 11 कर दे तो कितना हो जाएगा भाई 132। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। देखिए कृष्णा जी कह रहे हैं सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आदित्य आप भी सही कह रहे हैं। हाँ घर किसी का पता नहीं है ना, तो फिर भी डंडा लेके आ जाऊंगा, सबका घर मुझे पता है ना। चलिए है ना, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब अगला क्वेश्चन दीजिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, चलिए भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है ना, ये शानदार क्वेश्चन लीजिए तो फटाफट।
जरूर जरूर जरूर। अच्छा नेटवर्क तो ठीक है ना, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, नेटवर्क तो ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग कुछ बातें कहते हैं, जो बातें कहते हैं वो अच्छी अच्छी बातें हैं कि भाई देखिए कुछ सीख ऐसी है ना जो लोग सोचते हैं कि भाई वो सीख बहुत तगड़ी है ना सीख। अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 23, 729 का रिलेशन है 23 से, तो अगला क्या होगा, है ना, इसको बताइए। अच्छा इमामुल कह रहे हैं कि मैं मून से आपका वीडियो देख रहा हूं। अरे इमामुल जी तो हम मून पे भी तो पहुंच गए हैं, चंद्रयान आपने देखा ही होगा, चंद्रयान मिशन पहुंच गया है ना भाई, चंद्रयान 3 पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, चलिए बताइए। हाँ जी तो हम तो वहीं से क्लास ले रहे हैं ना, आपको पता नहीं है शायद, क्लास भी हम वहीं से ले रहे हैं। इसका आंसर करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए, मैं देखूंगा कि कौन आंसर करता है इसका। हाँ जी कुछ बातें कही जाती है कि भाई मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गल के देखा ढल के देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गल के देखा ढल के देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो ये बात कुछ ऐसी है। हाँ सर यही तो नहीं संग आता है। हाँ भाई यही तो बात है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, है ना, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा ना भाई। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो। अच्छा डी, कोई कह रहा है डी होगा, कोई कह रहा है बी होगा, अच्छा लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है एकदम। देख कोई कह रहा बी होगा, कोई कह रहा डी होगा, है ना। ठाकुर माही कह रही है कि सर इधर तो नेट ही स्लो चल रहा है। अच्छा नेट स्लो चल रहा है आपका, अच्छा डी सी। अच्छा देखिए इसका आंसर जो है वो डी होगा, लेकिन इसका ट्रिक मुझे बताइएगा। इसका आंसर तो डी होगा, बिल्कुल सही है जवाब, तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी ही होगा, लेकिन मुझे बताइएगा कैसे, है ना। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, जमीन से आसमान तक पहुँचाने को जो रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये बात जो कही है, अब अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, लेकिन इस क्वेश्चन का ट्रिक मुझे बताएंगे ना, ये क्वेश्चन ही बड़ा जानदार है, ये क्वेश्चन ही बड़ा जानदार है। ठीक है ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा ना इसका, जरूर मुझे बताइएगा ट्रिक। 2 क्वेश्चन आज मैं दे रहा हूं, बस 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा आपको। चलिए अगला अगला क्वेश्चन ये आप देखिए, मैं 2 + 2 × 3 + 2, अच्छा 1 सेकेंड, ये कह रहे हैं कि सर 2 × 3 = 6 + 2 = 9, 2 × 3 = 6 + 2, अच्छा 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 = 2, 8 होगा, अच्छा 8 होगा, हाँ, ठीक है ठीक है। देखिए मैं बता ही देता हूँ, चलिए अब जब अब आपने कह दिया तो बता ही देता हूँ, ठीक है, बता दूँ इसका आंसर भी हो सकता है बदल जाए, चलिए मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, चलिए हो सकता है आंसर चेंज हो जाए भाई, चलिए बता देता हूँ। 7 × 2 = अच्छा देखिए कितना हो, 7 × 2 = 14 और + 9 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, 7 का 2 करेंगे 14 हो जाएगा और + 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा कि नहीं भाई, हो जाएगा। उसी तरह अगर 2 का गुणा हम करेंगे 1 में, तो 2 × 1 = 2 और +
छह अगर हम करेंगे तो आठ आएगा कि नहीं? तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले डिजिट से दूसरे डिजिट के और फिर नौ ऐड करेंगे, यानी सेवन इंटू टू करेंगे प्लस नाइन करेंगे 23 आ जाएगा। उसी तरह टू इंटू वन करेंगे प्लस सिक्स जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या भाई, एट आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नवा क्वेश्चन, ये बड़ा ही शानदार जबरदस्त, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए मुझे बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, है ना। तकलीफ हो जाती अगर मैं नहीं बताता इस क्वेश्चन का आंसर, करिए। हाँ जी, सिक्स का क्यूब टू का क्यूब। अच्छा दीपिका कह रही हैं, चलिए क्लियर हो गया ना, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये पी बाई क्यू में आया हुआ है, ये क्वेश्चन पी बाई क्यू है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना पी वाई क्यू में से आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए फटाफट से आंसर करिए। हाँ नितिन भी कह रहे हैं डन, ओके। चलिए शानदार जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेल डन। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर नाइन। ये उनके लिए है, ये उनके लिए है जब कभी कभी लड़के लड़कियों को ठुकरा देते हैं या लड़कियां भाई लड़कों को ठुकरा देती हैं और उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, है ना। तो कुछ मजे के लिए कुछ बातें सुन लीजिए कि भाई तू नहीं, तो लड़का कहता है जब लड़की उससे कहती है, भाई लड़का कहता है जब लड़की से कि भाई प्रपोजल रखता है, तो लड़की उसको ठुकरा देती है, रिफ्यूज कर देती है। तो फिर लड़का भी कहता है कि भाई ठीक है तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी इस जमाने में सनम, तू ही अकेली तो नहीं, है ना। सर हम भी पढ़ ले क्या? अरे सर राय सर फिजिक्स, बहुत बहुत शुक्रिया सर क्लास में आने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप सर तिरुपति तमिलनाडु में आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, आपने जो अपना कीमती समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप क्लास में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए है ना। सर ये तो उस मोमेंट सर ये बहुत इजी है ये, अच्छा बहुत इजी है, वाह क्या बात है। चलिए ध्यान से समझिएगा, 45 प्लस 65, ध्यान रखेंगे कितना हो जाएगा भाई 110। अब 110 को अगर हम डिवाइड कर दें 11 से तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आप कहेंगे हाँ सर 10 आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया है। इसी तरह 55 और 44 को अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाता है 99, और 99 को अगर 11 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। 9 दिया है यहाँ कि नहीं दिया है? हाँ दिया है। इसी तरह कौन से नंबर को यहां रखें कि दोनों ऐड कर दें अगर हम, तो 11 से फिर उसको डिवाइड कर दें 56 और प्लस ऐसा क्या यहां रखें और उसको 11 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 6 आए, बताइए। तो हमें 56 प्लस अगर 10 यहां रख दें तो और फिर 11 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा बताइए, 66 डिवाइड बाई 11 कितना आ जाएगा 6, तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। लेकिन हमें कितना रखना पड़ेगा यहां पे x की जगह 10 रखना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 10, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। जी सर जी सर। ओ माय गॉड, तो 10 बिल्कुल सही आंसर होगा, लेजेंड का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लीजिए भाई अगला 10वां क्वेश्चन है। ये पी वाई क्यू क्वेश्चन सारा है, मैं जो बता रहा हूं ये पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिएगा आंसर करिएगा फटाफट से। चलिए
अच्छा, कोई कह रहा है सर बॉयज होते हैं, कोई कह रहा है गर्ल्स होते हैं। अरे भाई कुछ भी हो सकता है, मैंने ये थोड़ा ना कहा है कि किसी करी भाई साहब, आप लोग आपस में लड़ाई ना करिए, आप लोग कोई भी हो सकता है वो ना। वैसे बिना लक्ष्य के ना अच्छी भी नहीं लगती ये सब चीजें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अच्छा, ममता कह रही है कि सर मैं इसका आंसर बता दी हूं। अच्छा ओके, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, 10 आपने बताया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट ऊपर चला गया, मैंने देखा नहीं। चलिए इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 10। भाई अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगर मैं बताऊं तो 729, 81 और 27 का आप क्या करेंगे कि बीच में 15 आ जाएगा, बताइए। अगर 729 देखें तो किसका क्यूब है बताइए, तो किसका क्यूब है बताइए, क्या 9 का क्यूब है ये मुझे बताइए तो। और 1 1 का क्यूब होता ही है, जानते ही हैं। और ये 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, तो 2 3 5 और 1 6 6 9 15, बिल्कुल, यानी 2 3 1 9, यानी सबके क्यूब, जिन जिन नंबर के क्यूब है ना ये, उनको ऐड कर रहा है, तो बीच वाला आ जा रहा है ना, समझ रहे हैं। हाँ, कोई कह रहा है 8 होगा, कोई कह रहा है भाई 29 होगा, कोई कह रहा है 18 होगा। अच्छा, नितिन हमेशा लड़ाई करता है। अरे संजना, आप कितने दिन से जानती हैं नितिन को, है ना। नितिन जी लड़ाई नहीं करिए। देखिए, अब 27 देखा जाए तो 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 343 किसका क्यूब है भाई, 7 का है, 64 किसका है, 4 का है, तो 7 4 11, 5 16 और 16 3 19, बिल्कुल सही है। इसी तरह हम देखें तो ये 6 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, तो 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, तो क्या 16 आंसर होगा कि नहीं होगा मुझे बताइए, है ना। क्या 16 आंसर होगा कि नहीं होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, दीपिका संजना जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। हाँ, आंसर करिएगा फटाफट से। तो अगर मोटिवेशन किसी को चाहिए और किसी को ये लगे ना कि जिंदगी खत्म हो गई है, अगर किसी को ये लगे कि जिंदगी खत्म हो गई है ना, तो अगर आपको लगे कि जिंदगी खत्म हो गई है या खराब है, तो शमशान घाट चले जाइए या कुछ घंटों के लिए ट्रॉमा सेंटर चले जाइए, वहां आपको अच्छा खासा मोटिवेशन आ जाएगा। इसका आंसर करें, अच्छा आदित्य सिंह कह रहे हैं सर यू आर गोट। हाँ, मैं बकरी तो नहीं हूं, मैं समझ रहा हूँ गोट का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी। और देखिए यहाँ पर आंसर दे रहे हैं सभी लोग कि सर आंसर होगा, श्रेयांश द्विवेदी कह रहे हैं बी का 2 होगा सर। अच्छा, बी होगा 2, ओके ओके चलिए। चलिए चलिए देखता हूँ क्या आंसर होगा।
बिल्कुल देखिए, अगर 32 हमें बीच में लाना है तो हमें क्या करना होगा, 4 का मल्टीप्लाई अगर 5 में कर दे तो 20 हो जाता है, और 20 और 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं तो 12 हो जाता है। तो ये 12 12 हो गया और ये हो गया 20, तो 20 और 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32। बिल्कुल सही है। इसी तरह 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 6 जोड़ देंगे 18 आ जाएगा। 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, और प्लस 4 और यहाँ क्या रखेंगे तो भाई 43 होना चाहिए। तो अगर हम 4 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना हो जाता है 8, और 8 अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमें 43, 43 मिल जाता है। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा हमको। बिल्कुल सही है, दो दो जिसने आंसर दिया। बिल्कुल ममता भी सही कह रही है, बिल्कुल हाँ। ठाकुर माही भी कह रही है सर बी आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आपके सामने और इसका भी आंसर करेंगे, बड़ा ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और अगर आपने ना जर्नल टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर तो देख लीजिएगा, 10 सेट मैंने कराए हैं, 10 सेट्स मैंने कराए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जनरल टेस्ट का, बहुत ही शानदार वो क्वेश्चन का सीरीज है, उसको जाकर प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आपके जनरल टेस्ट के एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए 12th नंबर क्वेश्चन पे देखिए। हाँ जी, इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए, सर मैंने दूसरे लॉजिक से किया। अच्छा कोई बात नहीं, आपने दूसरे लॉजिक से किया था तो अच्छी बात है, अपने लॉजिक, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, लॉजिक आप लिखिए, लॉजिक आप लिखिए। हाँ, थैंक यू सर, राय सर, थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रेयांश कह रहे हैं कि A 18 होगा, अच्छा 80 80, 80 आंसर आया है श्रेयांश का, ओम जी का, दीपिका का आंसर आ रहा है 12। हाँ ए, अच्छा ए आंसर होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो बिल्कुल हो जाता है। उसी तरह दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाता है, क्या 80 आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आप कहेंगे हाँ सर 80 आ जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए 13वां नंबर। अगर जीटी का नहीं देखा है आपने जनरल टेस्ट का ना, तो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। अच्छा किसने किसने जीटी का वीडियो नहीं देखा मुझे बताइए, अगर आपने नहीं देखा ना यकीन मानिए बहुत ही आपने तगड़ी चीज मिस कर दी है। तो जीटी में जाइए, 10 सेट आपको मैंने कराया है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपके 10 सेट कराया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा जीटी का, बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया है। रंजीत कह रहे हैं कि सर इसका आंसर होगा, सर क्या इसका आंसर होगा, ओके ओके चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ एक बात और, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, जिसने लाइक किया ना तो एंजल लाइव करेंगे कि सर 80 होगा, बहुत अच्छे, अगर जिसने भी लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा उनका, क्योंकि भाई देखिए आपने इतना बड़ा काम किया है तो भाई शुक्रगुजार तो होना पड़ेगा ना आपका। इसका आंसर दीजिएगा, एक बार जाके जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में है, बहुत ही शानदार है, देखिएगा, मैंने नहीं देखा है बट अभी देख लूंगी। हाँ ममता जाके देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट मैंने कराए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा एकदम, देखिएगा खुद पता चलेगा आपको। ठीक है, सर 10 के 10 सेट देख चुका हूं, आदित्य कह रहे हैं। अच्छा कैसा लगा आदित्य जी, आपने देखा है तो आप थोड़ा फीडबैक दे दीजिए कि आपको 10 का 10 सेट जो देखा है आपने वो कैसा लगा, थोड़ा फीडबैक मुझे दे दीजिए यहीं पर, तो बहुत सारे लोग और भी जाके देख लेंगे उसको। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो कर दिया ना मैं जानूंगा उसको, ये लॉजिक बहुत ही तगड़ा इसमें यूज हुआ है। चलिए इसका लॉजिक मुझे बताइएगा, मैं भी देख रहा हूं इसको।
इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई 25, 16, 17 और 10 के साथ ऐसा क्या हुआ कि बीच वाला आ गया। 63, 45, 10 और 17 के साथ ऐसा क्या करें कि इस क्वेश्चन की जगह आंसर आ जाए हमारा। चलिए आंसर करिए। हाँ जी अच्छा, दीपिका कह रही सर 94 होगा। यस सर, मैंने भी देखा है, बहुत न्यू चीजें जानने को मिला था। अच्छा, लेजेंड कह रहे हैं बहुत न्यू चीजें जानने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया लेजेंड जी, आपने देखा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अभी आंसर दे रही हैं कि दीपिका की 94 होगा, सबको ऐड करके दो से डिवाइड करने पर। हाँ बिल्कुल, अभी देखिए बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए 25, 17, 10 और 16 को अगर ऐड कर देंगे और फिर ऐड करने के बाद आएगा 68 और 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 34, और वही हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बीच में। 63, 10, 45 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा बताइए तो फटाफट से भाई, हमारे पास कितना आएगा बताइए, 188 आएगा। 188 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 जा 18 और 24 जा 8, 94 आएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन तीन चारों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, उम्मीद है बात समझ में आ गई, समझ में आ गई तो डन करिए, किसी को भी डाउट नहीं है ना तो डन करिए, एक बार डन करिए तो अगले क्वेश्चन पे चलूंगा मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर माही के 94, ओम जी राय, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शानदार जबरदस्त बिल्कुल। हाँ डन डन, ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। 0421 फिर क्वेश्चन मार्क की जगह आपसे पूछा गया है कि क्या आएगा, चलिएगा आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए, देख लीजिए अच्छे से फिर आंसर करिएगा, अच्छे से देख लीजिए एक बार। सर पेपर का पैटर्न पता चल गया था और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ कि इस बार सीयूटी फोड़ना है, थैंक यू सर। चलिए आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत फास्ट चल रहे हैं आप, अच्छा अच्छा फास्ट में चल, अच्छा ठाकुर माही जी कह रहे हैं कि अब मैं फास्ट चल रहा हूँ तो, अच्छा फास्ट आपने मजाक में बोला है या आप सच में बोल रहा है आपने, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत धीमा चल रहा हूँ। मीन बहुत चीड़ बता रहे हैं, अच्छा बहुत जल्दी आंसर बता दे रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, तो आप आंसर करिए, इसका आंसर अब मैं नहीं बता रहा हूँ, अच्छा ठीक है इसका आंसर करिए, चलिए इसका आंसर करिए, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ उसका आंसर करिए। एक क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं और 4, 9 और बीच में 24 और यहां पर है 16 और यहां पर है आपका 16 और यहां है 36 और यहां पर है आपका 4। यहां पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ऑप्शन है 48, ऑप्शन है आपका 64 और अगला ऑप्शन है आपका 36 और अगला ऑप्शन है आपका 50। तो इसमें आपको बताना है ए बी सी और डी, इसका बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है चलिए इसका आंसर करिए। सर एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी, अच्छा लगा, मैंने उन वीडियो से नोट्स भी बनाए हैं जो कि हेल्पफुल रहेंगे मेरे लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
चलिए इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर करिए भाई, फटाफट से आंसर करिए। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए। इसका आंसर जल्दी करिएगा। चलिए इसका आंसर करिए तो फटाफट से बताइए मुझे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का आंसर अभी तक नहीं आया किसी का। हाँ जी, कोई आंसर नहीं दे रहा है। अच्छा देखिए, इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे करेंगे, देखिएगा। 0 × 3 + 4 = 4 आ गया यहां पर, है ना। फिर क्या करेंगे, × 4 + 5, फिर × 5 + 6 कर दीजिएगा, ठीक है ना, आ जाएगा आंसर आपका। तो × 4 + 5 करेंगे, इसमें देखिए 4 × 4 = 20, 4 × 4 = 16 और 5 = 21 आएगा। देखिए यहाँ 21 दिया भी हुआ है। फिर अगले में 21 में क्या करेंगे, 21 × 5, 21 × 5 + 6 कर दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 10 और +6 कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना सर। 14 वाला नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। मैंने बता दिया, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, आपको कैसे करना है। 15 वाला आंसर दीजिए, 15 वाला आंसर दीजिए, 15 वाला क्वेश्चन, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माही गलत हो गया। 15वें का आंसर दीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ जी, सिद्धार्थ राजजी, आपको जल्दी ही इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, इसकी मिल जाएगी आपको, ठीक है, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, जल्दी ही मिल जाएगी। अच्छा 64 कह रहे हैं, लेजेंड, ओके। चलिए 64 कह रहे हैं, फटाफट से आंसर करिए आपकी क्या होगा आज का आंसर। और जिसने एक बार लाइक कर दीजिएगा अभी और शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग का काम है थोड़ा सा स्टेटस वगैरह पर लगा लिया करिए, ताकि थोड़ा सा भाई वो भी शायरी सुने, थोड़ा सा मजा आए उनको भी, है ना, कुछ दिल की गहराइयों में उनके भी शायरी जाए। क्योंकि पता है आजकल क्या है ना, आजकल देखिए क्या है, हर जगह नफरत फैली हुई है, थोड़ा मोहब्बत बांटना है नहीं, मोहब्बत बांटना है। नफरत का मतलब है कि बहुत ज्यादा जगह पे नफरत फैली हुई, बहुत ज्यादा जगह पे, है ना। देखिए अभी कमेंट में मैं देख रहा था, कोई सॉरी बोल रहा है नहीं, कोई कह रहा है हम माफ नहीं करेंगे, नहीं मानोगे तुम लोग, है नहीं मानोगे, निकाले डंडा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, 64, अच्छा 48, अच्छा हाँ, दीपिका का कहना है कि 48 होगा, और कोई कह रहा है, अच्छा संजना कह रही है, भाई साहब, अच्छा देखिए ध्यान से, ये आंसर होगा 48। देखिए बिल्कुल सही, 48 आंसर होगा। कैसे, देखिए 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे अगर, तो 2 और 3 5 और 5 और 4 9, लेकिन इसका हमें जोड़ कर आंसर नहीं आ रहा है, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 3 में करेंगे तो 6, और 6 का 3 4 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी हमें उसका अंडर रूट करना है, अंडर रूट करने के बाद क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई कर देना है। 16 का होगा 4, 36 का होगा क्या 6,
फोर का होगा टू, तो 4 6 जा हो जाएगा 24, और 24 इंटू टू कितना हो जाएगा 48। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, बिल्कुल सही। हाँ, लॉजिक मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ माही कह रही है कि सर नफरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो मोहब्बत है तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह मोहब्बत होनी चाहिए, अच्छी बात है। काफी अच्छा लगा आप लोगों से सुनकर। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप करिएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगले, हाँ ये कहाँ गया भाई। एक क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, इस वाले क्वेश्चन पे। हाँ यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको जल्दी ही पूरा पीडीएफ मैं डाल दूंगा वहाँ पे। अरे संजना क्या बात हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है संजना जी, मैं हूँ यहाँ पे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। आप आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी समस्या के लिए मैं हूँ यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन मैं और दूं आपको, तो ध्यान दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक शायरी मैं सुनाऊं? हाँ दीपिका बिल्कुल बिल्कुल, शायरी सुनाइए बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन ऐसे है, 4, ठीक है, उसके बाद 5, यहाँ पर है 3, और यहाँ पर है 2, और आपका भाई बीच में है 3। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ कौन इसका जवाब देता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर चले जाइएगा, मैं भी वीडियो अब खत्म ही कर दूंगा, क्योंकि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ फिर। 9 7 और उसके बाद यहाँ 5, और यहाँ पूछा है क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया है ए बी सी और डी। क्वेश्चन क्या दिया है, ऑप्शन में ध्यान दीजिए, ऑप्शन दिया है आपके सामने भाई, 6 दिया है, और क्या दिया है, 8 दिया है, 14 दिया है, 19 दिया है। 14 और 19 ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा भाई, आंसर बताइए। हर बात लफ्जों से बताई जाए तो मजा क्या है, मेरी आंखें देखो और समझो कि राजा की राज क्या है। अरे समझ, हाँ तो ठीक है, आंख देखते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन कमेंट सेक्शन। हाँ बात तो सही है। अरे भाई साहब कैसे, लड़ाई वड़ाई नहीं करिए आप, ठीक है, अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं ही चला जाऊंगा, यहाँ पढ़ लो शांति से, बाद में झगड़ते रहना। हाँ, रजा क्या है, मैं समझ गया, मैंने मैंने इसीलिए तो बोला ना रजा क्या है। चलिएगा चलिएगा, आंसर करिए भाई। चलिए आंसर करिए तो इस क्वेश्चन का। हाँ इसका आंसर करिए फटाफट से। हाँ जी बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए, अब आप बताइए इसका आंसर। थैंक यू, बहुत सॉरी, हो गया सब ठीक है ना। अब फिर से एकदम अपने जबरदस्त जोश के साथ, जबरदस्त जोशो एकदम जुनून के साथ आ जाइए, और एकदम इस क्वेश्चन का ना जिंदगी ले लीजिए, फटाफट से आंसर करिए बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है ना, एकदम फोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ मोबाइल को मत फोड़िएगा, इसको फोड़िएगा क्वेश्चन को, ठीक है।
अब देखिए, अब क्या करूं मैं, बताइए। आप लोग लड़ेंगे तो मैं, मुझे जाना ही पड़ेगा ना। आप अच्छे से रहेंगे तब तो मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर हम 16 कह देते हैं, इसको 16th कह लेते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 है, 2 है, 5 है, 3 है। अब बीच में 3 कैसे आ जा रहा है यहाँ पे? और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा आंसर। पंकज कह रहे हैं 14 होगा, संजना भी कह रही है 14 होगा। चलिए, आंसर का मुझे बताएंगे कि भाई। चलिए, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दें। चलिए, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं भाई। ठीक है, आदित्य ने कह दिया कि सर पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए, अगर हम ध्यान दें कि टू और थ्री फाइव का, टू और फाइव का डिफरेंस हम देखें, ये वाला दोनों का, तो थ्री का डिफरेंस है ना। दो और पांच, पांच का अगर डिफरेंस देखें तो कितने का है? तीन का है। और फोर और थ्री का डिफरेंस कितने का है? वन का है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? वन का है, ठीक है ना। चार और तीन का डिफरेंस एक का है, और दो और पांच का डिफरेंस तीन का है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर बीच वाला मिल रहा है हमको। इसी तरह आठ और पांच का डिफरेंस कितने का है? तीन का है। और गुणा करेंगे क्या? सात और नौ के डिफरेंस यानी दो से। तो सात और नौ के डिफरेंस यानी दो से गुणा करेंगे तो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सिक्स आएगा। सिक्स हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा करेक्ट आंसर होगा सिक्स। सिक्स विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दीपिका कह रही है सिक्स होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सिक्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है। बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन बोलिए, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं तो मैं दूं आपको क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं तो क्वेश्चन मैं दूं आपके लिए। हाँ बिल्कुल, छह होगा, जिसने जिसने छह आंसर दिया। बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है 7, 21 और 56। उसके बाद देखिए, 6 है और 15 है और आपका है 42। अरे भाई साहब, नहीं मानोगे आप लोग ना, निकाले डंडा। आप तो डंडा ही निकालना पड़ेगा लग रहा है। 32। उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 9 है, और आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी और डी। ऑप्शन दे रहा हूं, फटाफट आंसर करिएगा, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन में ऑप्शन दे दे रहा हूं आपको। ऑप्शन है 27 और 28, 39 और आपका एक ऑप्शन है 46। 46 आंसर करिए फटाफट से। तो इसका आंसर करिए भाई। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद एक शायरी सुनाता हूं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर पहले दीजिए। चलिए, कुछ मोहब्बत की बातें कर लेते हैं, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आपने तो एकदम माहौल ही डेंजरस वाला बना दिया। तो मैं कुछ बात कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई, तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं मैंने, तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं मैंने, सूख गया वो तेरा गुलाब मगर फेंका नहीं मैंने, है ना।
सूख गया तेरा गुलाब मगर फेंका नहीं मैंने। तो भाई देखिए कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं कि जिन लोगों की हंसी खूबसूरत होती है, याद रखना कि उनके जख्म बहुत गहरे होते हैं। तो भाई जख्म नहीं, अच्छा बात करिए, अच्छी बात ये कह रहे हैं, अपने दिल की हाल हर एक को मत बताया करो, यह तमाशा बनने में देर नहीं लगती है। तो आप तमाशा नहीं करने हैं, आपको आंसर देना है फटाफट से, ठीक है ना? आप आंसर करिएगा। अच्छा, सर दिमाग हैंग हो चुका है। चलिए चलिए, अच्छा देखिए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक शायरी हो गई, एक दो तीन मैंने सुना दिया। चलिए इसका आंसर दीजिए, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट से। 721 के साथ ऐसा क्या हुआ कि 56 आ गया? यहाँ 6 और 15 के साथ ऐसा क्या हुआ कि 42 आ गया? 9 और 7 के साथ ऐसा क्या हुआ कि 32 आ गया? चलिएगा आंसर करिएगा। हाँ, 46 आएगा सर। अच्छा ठीक है, 46 कह रही हैं। अब माही कह रही हैं कि सर 46 आएगा। चलिए मैं देख लेता हूँ कि क्या आएगा भाई, मैं भी देख लेता हूँ कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, ममता कह रही है कि मैंने तो सरेंडर कर दिया। चलिए मैं बताता हूँ ना इसका आंसर क्या होगा। देखिए 7 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करें तो कितना आता है? 14। ठीक है, और 21 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो आता है 42। अगर दोनों को ऐड कर लें तो कितना आ जाता है? 56 आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अगर 6 का मल्टीप्लाई 2 में करें और 15 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो कितना आ जाता है? यहाँ 12 आ जाता है और यहाँ आ जाता है कितना? 13 आ जाता है। कितना आ जाता है? 30 आ जाता है। कितना? 30। और 30 और 12 कितना हो जाता है भाई? 42 हो जाता है, 42। यानी पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दे रहा है। ठीक है, इसी तरह हम भी करेंगे, 5 में 2 का मल्टीप्लाई और 9 में 2 का मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 18 कितना हो जाएगा? 28 आंसर होगा, 28। 28 विल बी द करेक्ट आंसर, 28 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिए सभी लोगों को समझ में आ गया है ना, अभी सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब बात करें, अगला क्वेश्चन दूं? चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन दूं आपको? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन दूं तो बताइए, अगला क्वेश्चन दूं आपको? चलिए सर, आपका आंसर इज इक्वल टू एंटीवायरस फॉर माय ब्रेन। ओह माय गॉड, वाह। अच्छा वीडियो को एक बार ना देखिए, 28 हो चुके हैं वाचिंग में, 30 हो चुके हैं, आपने तो रिकॉर्ड कर दिया भाई, बहुत अच्छे। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिए मैं दे रहा हूँ आपको, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, ट्राइंगल है, ये 6 है, ये आपका 27 है और यहाँ पर 3 है, और फिर मैं एक ट्राइंगल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, यहां पर आपको दिया हुआ है 10, अब यहां पे दिया हुआ है आपका 7, यहां पे नहीं 7 नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन मार्क 7 नजर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है 8, और आपको बताना है कि अगले में ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह, सर आपने शायरी कहां से सीखा? अच्छा ठीक है कोई नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, है ना? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं भी सोचूं इसका आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप फटाफट दीजिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में।
अरे कोई बात नहीं माही, गलत हो रहा है कोई नहीं। अब आप आंसर करिए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखिए यहां पर 6 आया हुआ है, यहां पे 27, यहां पे 3 है ना। आपको बताना है कि 10 और 8 के साथ ऐसा कौन सा डिस्को भांगड़ा करे कि यहां क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आ जाए। चलिएगा आंसर बताइएगा भाई कमेंट सेक्शन में। हाँ जी चलिएगा, ऑप्शन दूं? अच्छा हाँ ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। 57 ऑप्शन दे रहे हैं, 57 है, 34 है, 54 है। एक सेकेंड पूरा लिख रहा हूँ ना, ऑप्शन ये नहीं है ऑप्शन में। 57, 50 और 54 और 60, ये है ऑप्शन आपका। चलिए ए बी सी डी आप समझ लीजिएगा, आप बताइए। 57, 50, 54, 60, चलिए आंसर करिए। हाँ जी ये ऑप्शन देखिए ध्यान से, ऑप्शन कौन सा होगा मुझे बताइए। फिफ्टी फोर कह रहे हैं बहुत लोग, और 36 ओम जी राय कह रहे हैं, और ममता कह रही है कि सर 54 होगा, आदित्य भी कह रहे हैं कि सर 54 या तो 144। नहीं बिल्कुल मैंने ऑप्शन दे दिया है तो बताइए आंसर अब फटाफट से। श्रद्धा कह रही है कि सर 54 होगा, बहुत अच्छे वेल डन, 54 आंसर बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए 6 और 3 को अगर हम ऐड कर दें, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर 6 और 3 को हम ऐड कर दें, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लूँ। हाँ देखिए यहाँ 6 और 3 को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाता है 9, और 9 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो हमें ये वाला नंबर मिल जा रहा है ऊपर वाला यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमें यही वाले नंबर पे तो पहुंचना है, इसी वाले नंबर पे। तो यहाँ पे 10 और 8 हम अगर प्लस कर दें तो कितना होता है 18, और 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54, 54 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। रश्मि गौतम भी कह रही है कि सर 54 राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे वेल डन। हाँ बिल्कुल दीपिका, माही, रंजीत बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छे शानदार जबरदस्त भाई जबरदस्त, बहुत अच्छा। अब देखिए अब अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन दूं आपको, अगला क्वेश्चन दूं तो बताइए, अगला क्वेश्चन दूं बताइए, अगले क्वेश्चन पे करें, अगले क्वेश्चन पे चलें कि नहीं मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन और दूं आपको, चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक क्वेश्चन और दूं आपको। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन देखिए, 5, 6, 4, 200 यहाँ पे 60 है, 11 60 ठीक है, और यहाँ पे अगला है आपका 4, 10, 11 और 20, 11 यहाँ पे 11 है, 220, 220, और यहाँ पे है 7, 8, फिर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे है 56। अब आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, आपके ऑप्शन में दे दे रहा हूँ ए बी सी और डी है ना, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, बताइए 2, 4, 6 और 10, बताइए कौन सा आंसर होगा कमेंट सेक्शन में। हाँ जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन ओके, चलिए अगला, ऑलराउंडर चैनल कह रहे हैं 54, चलिए बहुत अच्छे। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। अच्छा माही कह रही है मुगाम्बो खुश हुआ, ओ माय गॉड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई अगला ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, शिवांगी कह रही कि आंसर होगा सर 6,
ओके मैं समझता हूँ, अभी देखता हूँ मैं। इसका जो आंसर दे देगा ना, मैं मानूंगा कि उसकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है। इसका आंसर जो भी दिया तो मैं मानूंगा कि कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है। थोड़ी पीठ मैं सीधी कर लूं थोड़ा, है ना, बैठते बैठते। रोशनी और लेजेंड गेमर भी कह रहे हैं 6 होगा। अरे भाई साहब नहीं मानोगे, निकाले डंडा है, निकाले डंडा लेजेंड जी। अच्छा दीपिका का आंसर मुझे सही लग रहा है, दीपिका का आंसर सही लग रहा है नहीं? बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। ऑप्शन ए आंसर होगा सर, हाँ बिल्कुल सही। आप देखिए इसका ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा मैं बताऊं कि आप अभी सोचेंगे, मैं बताऊं आंसर? चलिए मैं बता दूं आंसर, फटाफट बताइए। इसका आंसर मैं बता दूं आपको? हाँ रंजीत भी कह रहे हैं कि 2 होगा सर। ओके चलिए, ऑलराउंडर चैनल भी कह रहे हैं कि सर 2 होगा। अच्छा श्रद्धा, ओके चलिए 2 होगा। लॉजिक पूछ रहे हैं, आदित्य सिंह कह रहे हैं कि दीपिका लॉजिक बताइए, है ना। चलिए मेरा काम आदित्य ने ही कर दिया। चलिए ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पर बड़ा नंबर है, इसका मतलब है कि हमें इस तरह चलना है, इस तरह। यहां पर बड़ा नंबर है यानी हमें इस तरह चलना है, ठीक है। यहां पर बड़ा नंबर है यानी इस तरह हमें चलना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए, 5, 6 और 4 इन सबका मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए तो हो जाएगा कितना भाई, 5 6 जा 30, 34 जा कितना 120, 120 को डिवाइड करेंगे कितने 2 से अगर, तो हमें मिलेगा 60, ठीक है ना। 4 का गुणा करेंगे 10 में 40, और 40 का गुणा करेंगे 11 में तो मिलेगा 440। 2 से डिवाइड करेंगे तो 220 हो जाएगा। इसी तरह 7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और 56 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो हो जाएगा 112, और 112 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 56 होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 रखेंगे तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हमारा आएगा 112, तभी तो आएगा 112, यहाँ 2 रखेंगे तभी तो आएगा। इसलिए 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 2 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, माही कह रही है 2, बिल्कुल बहुत अच्छे। 2 बिल्कुल सही आंसर होगा, 2 रखेंगे तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और दूं क्या, एक क्वेश्चन और? हाँ जी बताइए, एक क्वेश्चन और दूं आपको आज पूरा ना, एकदम सब क्लियर हो जाएगा आपका, जितना भी मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है ना सब एकदम क्लियर हो जाएगा, 110% आपका। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन दूं आपको। हाँ अगला क्वेश्चन दे ही देता हूं बिना पूछे आपसे। 9, ठीक है 7, 2 और यहां पर 8, ठीक है। फिर आपका है आपका 15, फिर 30, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर आपका 5, फिर आपका है 13, फिर आपका है 14, फिर आपका है 3, फिर है 9। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या होगा, अगर मैं ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन देखिए ध्यान से, 5 9 6 5, 6 5 5 9 6 25 है, 25। ये मैंने 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, आंसर बताइएगा फटाफट से। ये 25 है, चलिए इसको बताइए। हाँ चलिए बहुत अच्छे, आप लगातार आप बने हैं, लगातार जबरदस्त आंसर दे रहे हैं। आप बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, मुझे बताइए।
मजा आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बेसुमार क्वेश्चन है। एक बात तो कहूंगा कि भाई खोपड़ी आ चुके हैं, और खोपड़ी भाई साहब नाम तो बड़ा डरावना है आपका। खोपड़ी जी आंसर करिए फटाफट से, है ना। इल्जाम तो कांटों पर ही आएगा, इल्जाम तो कांटों पर ही आएगा, ये सोचकर फूल भी कई बार जख्म दे जाते हैं। इल्जाम तो कांटों पर ही आएगा, ये सोचकर फूल भी कई बार जख्म दे जाते हैं। तो फटाफट से आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, और इस बात का भी हाँ मजा लीजिएगा साथ ही साथ। हर तन्हा में एक नाम याद आता है, हर तन्हा रात में एक नाम याद आता है, हर तन्हा रात में एक नाम याद आता है। भाई सुनिए ध्यान से, हर तन्हा रात में एक नाम याद आता है, कभी सुबह कभी शाम याद आता है। तो फटाक से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी 259 कह रहे हैं, प्रीति कह रही है सर, हेलो सर। हाँ प्रीति आंसर करिए इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। हाँ जी प्रीति आंसर करिए इस क्वेश्चन का फटाफट से। तो लॉजिक लॉजिक मुझे चाहिए। ऑलराउंडर चैनल 9 आंसर कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है गलत भी हो, लेकिन आंसर का मुझे वो चाहिए, लॉजिक, मुझे लॉजिक चाहिए। जब तक लॉजिक नहीं बताएंगे हम आंसर नहीं मानेंगे इसको, जब तक आप लॉजिक नहीं बताएंगे हम आंसर नहीं मानेंगे इसको। आंसर करिए फटाफट, लॉजिक बताइए, लॉजिक मुझे लॉजिक भी चाहिए, है ना। चलिए लॉजिक दीजिए मुझे इसका। चलिए इसका आंसर करिए, और इन बातों को आप जो है किसी पर अप्लाई मत करिए, ये बातें तो सिर्फ मजे लेने के लिए है जो बातें बोली जा रही है, ठीक है ना। आप अपने पर मत लीजिए इसको। ओहो, और रोशनी कह रही है 9 आंसर होगा सर। अच्छा 15 प्लस 30 45। अच्छा, ओके वाओ, व्हाट आंसर, वाह क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया ऑलराउंडर चैनल, आपने तो कमाल कर दिया, वाह क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। देखिए अगर हम देखें तो, हम देखें तो इन दोनों नंबर को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इन दोनों को हम क्या करें तीसरे वाले नंबर से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटे वाले नंबर से, तो क्या होगा भाई, 2 8 16 यानी 8 हो जाएगा, यही हमें तो दिया है यहाँ पर। अगर 15 और 30 को ऐड कर दें तो हो जाएगा 45, और 45 को किससे भाई डिवाइड करें तो यहाँ 5 आएगा, तो 9 से ही डिवाइड हमें करना पड़ेगा तब तो 5 आएगा। इसी तरह यहाँ भी है, 13 और 14 को अगर हम ऐड कर दें तो 27 हो जाता है, और 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, ये वाला दिया है यहाँ पे देखिए, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर हम 5 अगर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं बताइए, बताइएगा फटाफट से। अगर हम यहाँ पर 9 रखेंगे तो भाई 9 रखेंगे तो क्या होगा बताइए, अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं, 9 रखते हैं हम, 15 30 कितना हो जाएगा 45, और फिर हम 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बताइए, 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 होगा कि नहीं होगा बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा, 9। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। चलिए एक क्वेश्चन और दूं, मुझे बताइए तो, एक क्वेश्चन के लिए और रेडी हैं आप क्या, आप एक क्वेश्चन के लिए और रेडी हैं। एक क्वेश्चन और, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। 2 3 7 13, है ना, 27 53 107 107, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मुझे ये बताइए,
चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा। एक आएगा, 0 आएगा, 210 आएगा या 213 आएगा। हाँ चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, और एक बार जो नए हैं ना एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, दोबारा मत दबा दीजिएगा, लाइक करिएगा उसको। चलिए इसका आंसर आज के लिए बस करिए। अच्छा लेजेंड कह रहे हैं सर आज के लिए बस करिए, मैं तो सोच रहा था रिकॉर्ड बनाने के लिए और आप कह रहे हैं बस करिए है। रंजीत कह रहा है कि सर शायरी हो जाए है। आदित्य कह रहे हैं कि सर 107 टू माइनस वन, अच्छा ठीक है 213 इनका कहना आंसर होगा सर। अच्छा चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं भाई साहब, वेरी गुड। सारा ट्रिक दिमाग से निकल जाएगा, नहीं 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 निकलेगा नहीं पहले। हाँ प्रीति भी आंसर दे रही है, बहुत अच्छे शानदार। हाँ पहले इंटू टू माइनस वन फिर टू इंटू, अच्छा लॉजिक है, अच्छा ये लॉजिक है। चलिए दीपिका करिए 213 बिल्कुल सही, देखिए लॉजिक तो बहुत सारा लग रहा है। और ये लॉजिक की अगर आसान लॉजिक की बात करें तो एक पेयर में ले लीजिए इसको, पेयर में ले लीजिए, देखिए पेयर ले लीजिए इसको, इन सबका ना एक पेयर ले लीजिए। अब अगला पेयर बनाने के लिए हमें आंसर चाहिए, तो कैसे पेयर लेंगे, दो और तीन का पेयर देखें तो टू इंटू टू हो रहा है और माइनस वन हो रहा है तो थ्री आ गया, सेवन इंटू टू माइनस वन यानी 7 × 14 माइनस एक, 27 × 54 माइनस एक, 107 × 214 माइनस एक यानी 213 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें टाइम का वेस्टिंग कम होगा, यानी दूना करके माइनस वन फिर डबल करके माइनस वन फिर डबल करके माइनस वन फिर डबल करके माइनस वन, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा 213 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी चलिए और क्वेश्चन दो आपको बताइए भाई, और क्वेश्चन दो आपको। अच्छा रोशनी कह रही है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा सुनिए 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 रोशनी देखिए, अगर 2 का मल्टीप्लाई हम करें 2 में, 2 का गुणा हम डबल में करें, मतलब 2 का डबल करें, मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए,
दो का अगर हम मल्टीप्लाई दो में करें, डबल करें तो 4 आता है, और 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा। 7 का अगर डबल करेंगे तो 14 होगा, 14 में 1 माइनस करेंगे तो 13 होगा। 27 में का डबल करेंगे और फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 54 होगा, तो माइनस 1 हो जाएगा तो 53 हो जाएगा। यहाँ 107 में दूना करेंगे 214 होगा, 214 में से 1 माइनस करेंगे तो 213 होगा। इस तरह आपको करना है, ठीक है ना। साधना क्या कह रही है? नो सर, बताइए तो। अच्छा बस, मतलब यहीं पे खत्म करूं मैं सोच रहा था 9 मिनट और हो जाए तो 2 घंटे की क्लास पूरी कंप्लीट हो जाए आपकी। मैं सोच, गुरुजी आपकी सुबह 7 बजे क्लास में मजा आता है। अच्छा, खोपड़ी जी कह रहे हैं कि सर 7 बजे, अब वो 8 बजे क्लास हो गई है, ठीक है, अब वो क्लास 8 बजे से हो गई है। चलिए, अब क्लास 8 बजे से होगी वो वाली। करंट अफेयर की क्लास अगर आप नहीं करते हैं तो सुबह 8 बजे जुड़ जाया करिए सुबह में। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की बहुत ही शानदार क्लास होती है, स्टैटिक जीके की, है ना भाई। 8 बजे सुबह बड़ा ही शानदार क्लास होती है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की। मैं ही कराता हूं उसको, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की। हाँ, आज क्लास इसलिए नहीं हुआ था, मैंने बताया था ईद की, कल मैंने बताया भी था कि ईद के वजह से थोड़ा सा सुबह हाँ दिक्कत हो जाता है, इसलिए जो है क्लास नहीं था। ठीक है, कल से क्लासेस होंगी आपकी। अच्छा ठीक है, खोपड़ी कह रहे हैं कि मैं रोज आता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और, अब एक हो या दो हो, मैं सोच रहा हूँ 2 घंटा की ये क्लियर कर दूँ आपके लिए, मतलब 1 बजे तक मैं ले लूँ क्लास। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन क्या दे सकते हैं आपको। अच्छा चलिए, ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि नहीं मुझे बताइएगा ना। ये क्वेश्चन मैंने दिया है कि नहीं बताइएगा। 30, 13, 17, 21, 12, 8, 9, उसके बाद है आपका 6, 7 और 7, और फिर यहाँ 12, 2 और 1 क्वेश्चन मार्क। ये बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ इसका, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ इसका। प्रीति कह रही है कि प्रिया जयसवाल फाइनली अब जाके कोई प्रिपरेशन करने के लिए चैनल मिला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ प्रिया जी, इसका आंसर करिएगा फटाफट से। हाँ चलिए, अब मैं देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने, 4, ठीक है, फिर उसके बाद है 11, फिर उसके बाद है आपका 5, और फिर उसके बाद है 12। ये है आपके ऑप्शन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। वैसे आप आंसर करिएगा डायरेक्ट, ए बी सी डी मत लिखिएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके साथ मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, रोशनी कह रही है कि सर आपके साथ, हाँ पट्टी वाला पीछे आ चुका है, वो दरअसल इसलिए आया है क्योंकि आपकी क्लास बहुत टाइम से चल रही है, तो आपको कुछ एनर्जी देने के लिए आया है। कुछ अगर आपने लोहा हुआ रखा हुआ है या मतलब पुराना आइटम कोई रखा हुआ है, तो वैसे पट्टी वाला नहीं है, बर्फ वाला है ना, ये खतरनाक बर्फ लेके आते हैं, पत्थर वाला बर्फ। ये मतलब चैलेंज करते हैं कि जो भी पत्थर वाला अपने दांत से कूट लेगा, अपने मतलब दांत से तोड़ लेगा, तो भाई भाई वो जो है उसको फ्री में आपको वहां पे 2 से 3 और मिलेगी। आप भी खाइएगा, अपने दोस्तों को भी खिलाइएगा वहां पे, है ना। तो ये पत्थर का जो है देते हैं। अच्छा 5 कह रहे हैं ओम जी राय। अरे भाई ओम जी, इतना आंसर दे रहे हैं आप। ओ माई गॉड, एक आंसर दीजिए, बहुत आंसर आप दे रहे हैं। लॉजिक बताइए, मुझे लॉजिक चाहिए, है ना, मुझे ऐसे आंसर नहीं, मुझे लॉजिक चाहिए। कैसे आंसर कह रहे हैं आप 5? प्रीति भी कह रही है 5। मुझे ये बताइए कि कैसे ये 5 आ रहा है भाई आपका, कैसे? लॉजिक लॉजिक मुझे चाहिए।
और तब तक अगला क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं आपको, आप लॉजिक बताइए, तब तक अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, तब तक आप लॉजिक मुझे बताइए। एक क्वेश्चन है भाई, 3, 6, 39, 5 और यहां पे 3 और यहां पे है आपका, पूछा है 3, 5 क्वेश्चन मार्क आपका है 5 और 4। ये एक और आ गया, लग रहा है कि इन दोनों में मतलब कंपटीशन चल रहा है कि पहले मैं बेचूंगा सारा सामान या वो। ठीक है चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, ऑप्शन ए में देखिए ध्यान से। अगला क्लास मेरा जो है सैटरडे को होगा, अगला क्लास मेरा सैटरडे को होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, 11 बजे। ऑप्शन में दे रहा हूं 35, इन दोनों क्वेश्चन के बाद हम लोग एंड करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे, 45 और ये है आपका 47। ठीक है, अच्छा, सेपरेट लिख दिया है कह रहे हैं, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए अगर देखा जाए तो देखिए ध्यान से, 12, 6, 18, 12, 30, देखिए ये वाला तीनों को जोड़ दीजिए ना आप, 12 को 6 में जोड़ दीजिए, फिर 6 को 12 में जोड़ दीजिए, 12, 12, 24, 6, 30, 2, 7, 9, 9, 8, 17 यहाँ पे दे दिया है, ऊपर कर दिया है बस, ऊपर की तरफ है ना, इसीलिए मैंने कहा ना बड़ा वाले नंबर की तरफ जाइए आप। तो यहाँ पर 7, 9, 16 और 16 और 5 यहाँ रख देंगे तो 21 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या रहे हैं बस, बी, बी क्या कहें, 5, 5 जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में। क्रॉस मल्टीपल हुआ है सर, दीपिका कह रही है, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल सही बताया। देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए आप, 3 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ कितना, 9 हुआ, 5 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ भाई, 30 हुआ, 30 और 9 कितना हो जाता है, 39, जो कि बीच वाला दिया हुआ है, बीच वाला दिया भी हुआ है। तो यहाँ पर भी 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25, 25, 12 कितना हो जाएगा, 37 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, उम्मीद है आज आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन एकदम रेड कर दीजिए, कमेंट सेक्शन एकदम रेड कर दीजिए, लाल कर दीजिए, लाल जुबान कर दीजिए, जुबान केसरी मत करिएगा, लाल जुबान कर दीजिए। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट में एक बार मुझे बता दीजिए आज का क्लास आपको कैसा लगा। ऐसा ही क्लास मैं सैटरडे को भी आपके लिए लेकर आऊंगा, बहुत ही शानदार क्लास होगी उस दिन की भी, उम्मीद है आज का क्लास आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हाँ जी, अच्छा रंजीत कह रहे हैं कि जाते जाते शायरी सुना दीजिए, है ना। चलिए, हाँ हाँ चलिए, ठीक है ठीक है। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा,
उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। चलिए अब लास्ट शायरी कह करके रुखसत लेते हैं। उस देखिएगा ध्यान से, जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है। जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है, जब याद हम आ जाएं मिलने की दुआ करना। अजीब होते हैं आदाब रुखसत महफिल कि वो भी उठ के गया जिसका घर न था कोई। छोड़ने में ही नहीं जाता उसे दरवाजे तक, लौट आता हूँ कि अब कौन उसे जाते देखे। चलिए बस यहीं पे खत्म करूंगा इस सफर को। सैटरडे को फिर मिलता हूँ आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ शानदार टॉपिक के साथ। कैलेंडर का भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन अगला टॉपिक जो हम लोगों का होने वाला है वो अगला टॉपिक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा एक बार कि अगला टॉपिक आपका क्या है। मिलता हूँ सैटरडे को शानदार क्वेश्चन के साथ, जानदार क्वेश्चन के साथ। एनालॉजी का शायद अगला टॉपिक है। तो दोस्तों तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं सैटरडे को। गॉड ब्लेस यू ऑल।